Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. In this video, I'm going to review an institution which is known as ICFI Business School Pune. A lot of your students got already call letters jahan pe aapko Mumbai, Pune, alag alag campuses mile. Maine already Mumbai pe, Hyderabad pe video banaya hai. Aap jaake wo bhi check out kar sakte hain. But agar aap ICFI Business School ki Pune campus ko dekh rahe hain, to is video ko complete dekhna to banta hai. Agar hum establishment की बात करें तो दे हैवंट मेंशन क्लियरली, क्योंकि सब जगह 1995 लिखा हुआ है और वो 1995 इज बेसिकली जब IBS का हैदराबाद वाला कैंपस एस्टैब्लिश हुआ था. प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, PGPM कराता है, विच इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल का कोर्स है. लोकेशन पुणे है, जो कि आई थिंक अ वेरी हॉट सिटी है अगर हम MBA की बात करें. लाइक द मोस्ट प्रेफर्ड सिटीज फॉर MBA इज बेसिकली पुणे, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, NCR. तो वहाँ पर ये कॉलेज लोकेटेड है. कैंपस अच्छा है. प्रोग्राम्स में मार्केटिंग, फिनेंस, HR आप कर सकते हो. जो फीस स्ट्रक्चर पड़ता है दैट इज़ अराउंड 8 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स. देन अपार्ट फ्रॉम इट, हॉस्टल फैसिलिटी भी है जो इस फीस के अलावा है. कमिंग बैक टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन. देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप IBSAT के बेसिस पे या फिर दूसरे एग्जाम्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो. IBSAT is one of the ways जहाँ पे स्टूडेंट IBS हैदराबाद के लिए भरता है, बट सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी कॉलेज में सिलेक्ट होते हैं. जो हैदराबाद नहीं मिलता है उन्हें मुंबई मिलता है, किसी को अहमदाबाद मिलता है, किसी को कुछ और मिलता है. तो आपको कोई ना कोई कैंपस मिल जाता है और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको पुणे कैंपस मिला हुआ है. अब फीस 8 लाख इज़ क्वाइट लाइक रीजनेबल अगर आप हैदराबाद से कंपेयर करो तो, क्योंकि पुणे में मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर यही है 7-8 लाख रुपीज़. एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये दूसरी चीज़ें जो आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है. रिव्यूज़ की हम बात करें तो कॉलेज लाइफ ठीक है, बहुत सारे क्लब्स चलते हैं, राइट? सो मार्केटिंग क्लब, HR क्लब, इवेंट्स होते हैं. उनका एक एनुअल इवेंट भी होता है जिसका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एनुअल फेस्ट जिसको वो कहते हैं. तो कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ भी अच्छी है, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगी. तो उन सारे ही मामलों में ठीक ठाक कॉलेज है. पर हम किसी कॉलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे होते हैं दैट इज़ प्लेसमेंट्स. यार अगर हम इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की बात करें जो कॉलेज क्लेम कर रहा है, उसके हिसाब से 6,13,000 इज द एवरेज पैकेज, वेयर इज हाईएस्ट पैकेज इज 10 लाख. जिसमें अगर हम बात करें तो 2020 में 412 स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट किया था एंड 99% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है. कंपनीज वर NoBroker.com, देन ICICI, HCL, ICICI बैंक, HDFC एंड सो एंड सो ऑन. थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफाइल्स पे हो सकता है आपको सफ़र करना पड़ जाए इस कॉलेज में. एवरेज पैकेज 6 लाख है, बट 6 लाख है दैट मीन्स लोएस्ट इज अराउंड 5.56 लाख का एवरेज है, मतलब लोएस्ट इज अराउंड 3.54 लाख के आसपास. तो आप 10-11 लाख के अलावा आपका आपको अगर 5.5 लाख का एवरेज मिलता है तो मतलब ROI एक चीज़ है जो आपको देखनी है. मतलब फिर भी वो भी अगर हम पुणे में इसके अलावा भी कोई दूसरे कॉलेजेस देखें जैसे कि बालाजी हो गया, इंदिरा हो गया या ISBNM, तो उनके भी कहीं ना कहीं एवरेज पैकेजेस उतने हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप IBS पुणे देख रहे हो तो आपके पास थोड़े से और बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं पुणे के अंदर. सेम बजट में प्रोफाइल्स आपको अच्छी मिल सकती हैं, थोड़ा सा आपको PGPM की जगह PGDM और आपको MBA मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट लाइक कंपनीज की थोड़ी सी प्रोफाइल और अच्छी मिल सकती है बिकॉज ये IBS का कहीं ना कहीं मेन कैंपस नहीं है. आप कभी भी NMIMS मुंबई को और NMIMS इंदौर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. द सेम वे IBS हैदराबाद एंड IBS पुणे को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास IBS मुंबई, IBS पुणे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो लेट मी टेल यू, आप मेरा वो वीडियो जाके देखिए, MBA टॉप MBA कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम. जितने भी कॉलेजेस हैं, बालाजी है वहाँ पे या और कोई दूसरे कॉलेजेस हैं, उन सब में आपका एंट्रेंस का स्कोर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ एंट्रेंस रिक्वायर्ड होता है. व्हाट मैटर इज कॉम स्किल्स, एकेडमिक्स एंड यू आर एबल टू फेस इंटरव्यू. अगर आप ये चीज़ें फेस कर लेते हो तो आपको उन कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है. सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे पास IBS के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके या कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो. तो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन IBS पुणे. आई होप यू लाइक इट. इफ यस, hit the like button, share it with your friends, and for more such video like this, keep watching my channel. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share, and subscribe.